Hi guys, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. And this is our last topic of refraction on spherical refracting surface. In a previous lecture, हमने क्या देखा था? Refraction denser से rarer की तरफ का start किया था, कि denser से light rarer की तरफ जाएगी. अब कल हमने किया था पिछले कल कनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए, जबकि आज हम करने जा रहे हैं बेटा कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए. और कन्वेक्स में पता है आपकी कौन सी इमेज बनती है, दैट इज रियल इमेज बनती है. तो क्यों ना हम इसकी डायग्राम पहले समझते हैं. बेसिकली अगर आप डेंसर से रेरर की तरफ ले रहे हैं तो डेंसर आपको इस तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ से जाएगी ना, तो जिस तरफ से जा रही है उस मीडियम को उस तरफ ले लीजिए. लेफ्ट हैंड साइड रखना है आपने, जिस तरफ जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट को लेना होता है उसको लेफ्ट साइड रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है. तो बेसिकली ऑब्जेक्ट यहां से चला, जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऑफ लाइट आई, जैसे यहां पहुंचेगी बेटा, आपने नॉर्मल खींच लिया, तो नॉर्मल खींच लिया सेंटर सी तक, ठीक है ना. बेसिकली तो यहां ऑब्जेक्ट में एंगल गामा बनेगा, सॉरी अल्फा बनेगा, और सेंटर कर्वेचर पे नॉर्मल जो खींचता है दैट इज गामा, और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनता है. अब देखो, आप सोच रहे होंगे यार डेंसर से रेयरर है, जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है, आपको पता है मैंने पिछले टॉपिक में भी बताया था कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं जाती. अगर टुवर्ड्स नॉर्मल जाए, अगर ये ऐसे मैं निकालूं तो ये रे क्या कर जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल निकल जाएगी. और आपको पता है हम डेंसर से रेयरर कर रहे हैं, तो हमें इसकी इमेज आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको क्या करना पड़ेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल करना पड़ेगा, मतलब ये बेंड हो जाएगी नीचे को और कहीं इमेज यहां बन जाएगी, दैट इज एंगल बीटा. हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन. और साइन कन्वेंशन भी यही देख लेते हैं, ये A पॉइंट है तो परपेंडिकुलर खींच लिया M, तो देखिए C टू P आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, इट कैन बी टेकन एज नेगेटिव. व्हाई बी टेकन एज नेगेटिव, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे के अलोंग नहीं मेजर किया जा रहा है, उसकी उल्टी डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है. एंड O टू P इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, O टू P इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज टेकन एज नेगेटिव बिकॉज दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट मेजर अगेंस्ट द इंसिडेंट रे. एंड पी टू आई, पी आई इज दी इमेज डिस्टेंस, दैट इज वी, इट इज टेकन एज पॉजिटिव. व्हाई वी टेकन एज पॉजिटिव, बिकॉज इट मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट. तो सो हमने जो डायग्राम समझ लिया है, आते हैं डेरिवेशन पर. तो बेसिकली आपको पता है पहला स्टेप स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, तो म्यू टू एंगल आई बन रहा है, तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर, एंटर कर रही है ना एरर में आपकी. अब आपको ये बात भी पता है कि फॉर स्मॉल एंगल साइन एंगल साइन आई आई लिया जाता है, आई को स्मॉल एंगल के लिए टेन आई से रिप्लेस कर सकते हैं. साइन आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू टेन आर, बेसिकली वही है ना. लिमिट जब थीटा की आप जीरो पुट कर देते हैं तो आपका साइन थीटा बाई थीटा हो जाता है वन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, दैट इज थीटा इज आई लो गामा लो अल्फा लो बीटा प्लस आर, जो भी लेना है आपने. अब बेसिकली ट्राइंगल इक्वेशन स्टार बन जाएगी जब साइन आई से आई रिप्लेस हो जाएगा म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू वन आर, दैट इज इक्वेशन वन. वी गिव इट इक्वेशन वन. अब सेकंड देखिए, सेकंड स्टेप होता है कि आपने ट्राइंगल लेनी होती है अल्फा बीटा और गामा के एंगल्स की. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की ट्राइंगल देखी जाएगी बेटा, तो ऑब्जेक्ट की ट्राइंगल जब लेते हैं तो ओ ए सी, ओ ए सी, देखो बेटा जब ओ ए सी ट्राइंगल आप ले रहे हैं तो ये अल्फा और आई दीज आर दी इंटीरियर एंगल्स एंड गामा इज दी एक्सटीरियर एंगल. आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पता है, इट कैन बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सो वी कैन राइट दिस स्टेप गामा इज इक्वल टू आईटा प्लस अल्फा, आई प्लस अल्फा इंटीरियर तो इनका सम हो गया एक्सटीरियर एंगल गामा. अब हमें तो बेटा चाहिए आई की वैल्यू, तो आई को इसी साइड रहने दीजिए, अल्फा को इस तरफ डाल दीजिए, तो पॉजिटिव था इस तरफ गया तो नेगेटिव का हो गया, तो इक्वेशन बन गई गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आई, कैन बी गिव द सेकंड इक्वेशन.
अब अगेन सेकंड स्टेप आपको नेक्स्ट स्टेप पड़ता है, अब हम इमेज की ट्राइंगल लेंगे, मतलब जहां पर रिफ्रैक्शन हो रही होगी आर मिलेगा, तो ट्राइंगल ली जाएगी बेटा हम आई ए सी, ट्राइंगल ली जाएगी आई ए सी। आई ए सी ट्राइंगल में आप देख रहे होंगे कि आर इज द एक्सटीरियर एंगल एंड गामा एंड बीटा आर द इंटीरियर एंगल, यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो सो इट इज इक्वल टू द आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, व्हाई, बिकॉज दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, सो सिंपली वी कैन राइट गामा प्लस बीटा, देयर इज नो नीड टू मैनिपुलेट दीज वैल्यूज बिकॉज दिस इज इन सीक्वेंस ऑलरेडी, हमारे पास आर की वैल्यू मिली है, हम इनको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, फिर बदल नहीं करेंगे। तो अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जब आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, म्यू टू आई है तो आई की जगह ले सकते हैं आप गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन, आर है तो आर की जगह ले सकते हैं गामा प्लस बीटा, That's equal to, okay, अब आपको next step अच्छे से पता है कि गामा को आप रिप्लेस कर दे tan गामा से, तो म्यू टू इंटू टेन गामा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन टेन गामा प्लस टेन बीटा। और नेक्स्ट स्टेप भी बेटा आपको अच्छे से पता है कि हम जब tan ले रहे हैं, tan का मतलब है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो गामा का ट्राइंगल देखिए, गामा का ट्राइंगल है सी ए एम, सी ए एम है तो परपेंडिकुलर ए एम अपॉन बेस क्या है सी एम, तो ए एम अपॉन सी एम या एम सी जो भी आपने राइट करना है, माइनस टेन अल्फा, अल्फा का ट्राइंगल है बेटा ओ ए एम, तो परपेंडिकुलर कौन है ए एम अपॉन बेस क्या है ओ एम इक्वल, ओके इज इक्वल टू द म्यू वन, अब म्यू वन टेन गामा, गामा अगेन बेटा वही आ जाएगा ए एम अपॉन एम सी, माइनस अब टेन बीटा की देखिए, बीटा का ट्राइंगल है आई ए एम, तो ए एम अपॉन एम आई, तो बेसिकली हो गया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं लिखने वाला हूं, जो एम का ए एम का लिखते थे ए एम, मैं यहीं काट देता हूं, आपको पता है ए एम ए एम कॉमन आ जाएंगे, यहां से कट जाएगा, तो आपके पास बेसिकली मल्टीप्लाई है म्यू टू की अंदर को यहां म्यू वन की, तो आपका आ जाएगा म्यू टू अपॉन एम सी, म्यू टू अपॉन एम सी माइनस म्यू टू अपॉन ओ एम इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन एम सी माइनस म्यू वन अपॉन एम आई, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। और आप सभी को पता है m इज वेरी नियर टू p, सो m कैन बी रिप्लेस बाय द p, तो वी कैन राइट दीज, बस आपको इतना समझना है कि m की जगह p रखिए बस, और कुछ नहीं करना है, तो इक्वेशन बन जाएगी म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन ओ पी इज इक्वल टू दी म्यू वन अपॉन पी सी माइनस म्यू वन अपॉन पी आई, दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन। एंड वेन यू कैन अप्लाई दी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस इन दिस फिफ्थ इक्वेशन, देन वी गेट द वैल्यूज, और मैंने आपको ये वैल्यूज पहले से ही बताई है, पी सी इज इक्वल टू माइनस आर, ओ पी इज इक्वल टू माइनस यू, और आपका जो आपका पी आई है दैट इज प्लस वी रहेगा, दैट इज प्लस वी आपका रहेगा, ये मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया है। तो आइए हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जरा वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा बेटा, रिजल्टेंट जो मिलने वाला है वो कल की तरह ही मिलेगा, जो आपको रिजल्टेंट मिलने वाला है वो आपको बेटा कल का ही मिलेगा, बट थोड़ा डेरिवेशन में फर्क हो जाता है बीच में। तो अब नेक्स्ट देखिए, व्हेन यू कैन अप्लाई साइन कन्वेंशन इन इक्वेशन फिफ्थ, देन वी कैन राइट क्वेश्चन इक्वेशन फिफ्थ एज म्यू टू अपॉन पी सी आपका माइनस आर प्लस सॉरी माइनस ये ना, तो माइनस म्यू टू अपॉन ओपी, OP is as a minus U is equal to आपका mu 1 upon PC आपका again minus R बेटा, और यहां पर है minus mu 1 upon बेटा PI against plus V, that's it, and now we can interchange the equations, R R की एक तरफ ले आइए, U U U R V की एक तरफ ले जाइए, तो we can write these equation बेटा mu 2 by minus R ऐसे ही रहने दीजिए, इस म्यू वन और आर जो माइनस का है इसको इस तरफ लेके आइए, तो ये माइनस का बेटा ये प्लस में आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा म्यू वन अपॉन आर, अगेन ये लिख लीजिए माइनस म्यू टू अपॉन आर, ये तो माइनस का ही रहेगा, इज इक्वल टू, अब बेटा हमें क्या देखना है, ये जो आपका म्यू टू बाई यू माइनस का है, देखो माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, ये हमें इस तरफ लेके जाना है, तो फिर माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, तो प्लस माइनस देखो प्लस म्यू टू अपॉन
u, तो जब ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, अगेन आपका कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज, आप किस तरह राइट कर सकते हैं इस इक्वेशन को बेटा, इसको किस तरह आप राइट कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस म्यू टू बाई यू, माइनस माइनस बेटा प्लस, तो म्यू वन बाई वी। तो आपके पास जब आप करेंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा दैट इज म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर इज इक्वल टू माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन अपॉन वी, और इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं और करके इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप लिख सकते हैं माइनस म्यू टू अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर, और म्यू को आप एन भी ले सकते हैं। तो दिस इज द रिजल्टेंट है आपका बेटा। डेंसर से रेयरर की तरफ के केसेस सेम रहेंगे, रेयरर से डेंसर की तरफ का केसेस सेम रहेगा, आपको रिजल्टेंट याद होने चाहिए। समटाइम जब फॉर्मूले पूछे जाते हैं इन टर्म ऑफ रेडियस, रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस दिए होते हैं, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई यहां से लाइट इस मीडियम में एंटर कर रही है। तो आज यहां पर हमारा टॉपिक खत्म होता है रिफ्रेक्टिव स्फेरिकल सरफेसेस वाला। तो कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज लेंस, लेंस का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।